हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिकल लेके आऊँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे कुछ एलईडी बल्ब्स है, तो अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये थोड़े डिम होते हैं या फिर कभी कभी चलते हुए बंद हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज हम इनको फेंकेंगे नहीं, इनको हम इकट्ठा कर लिए हैं और आज हम देखेंगे कि इनको बाई फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और एक खराब एलईडी बल्ब को ऑन कर सकते हैं वापस से। तो एक सोल्डिंग आयरन की मदद से इनको ठीक करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं या पहले जैसे लाइट की तरह एलईडी की तरह ये अपन को रोशनी दे रहे हैं कि नहीं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लेते हैं एक सीरीज बोर्ड। तो जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है और इसकी वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर रखी है। मैं इसका जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एक लैंप लगा के और इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये बल्ब है वो हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है और बंद हो जा रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम पहले। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो लाइट है वो हल्की सी डिम जल रही है। तो एक इस तरीके का वायर ले लेंगे और हर एक एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे कि कौन सी एलईडी इनके अंदर ख़राब है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ये जो फ्रेंड्स ये वाली एलईडी है वो खराब हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस एलईडी को हटा देंगे यहाँ से और इसकी जगह सोल्डिंग कर देंगे। इस एलईडी की जगह यहाँ पे हटा के और सोल्डिंग कर देंगे। जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलईडी खराब एलईडी थी उसको मैंने यहाँ से हटा दी है। अब यहाँ पे हम करेंगे सोल्डिंग से, यहाँ पे क्या एक टांका लगा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको कर दिया है बाईपास, यहाँ पे आप देख सकते होंगे इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। अब इसको वापस से इसमें देते हैं सप्लाई और देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक वापस नए जैसे एलईडी बल्ब की तरह वापस से ऑन हो गया है। मैं इसकी कैप लगा देता हूँ एक बार, फिर आप देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस कितनी। तो देखा फ्रेंड्स कैसे मैंने एक खराब एलईडी बल्ब को ठीक कर लिया है, वो भी मात्र 10 सेकंड के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 भी मेरे इसके अंदर ठीक करने में नहीं लगा होगा। अगर हम इसी एलईडी बल्ब को फेंक देते तो हमारे 100-150 रुपये नए बल्ब लाने में लग जाते और वो हमारे यहाँ पे पैसे जो है बच चुके हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।